ऑलराइट, सो उनका जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो पिछले 6 मंथ के जो लॉकडाउन के गुजरे हैं कैसा था आपके लिए एंड क्या क्या किया आपने इन दिनों एंड कैसी रही ये लाइफ आपके लिए लॉकडाउन की? आई थिंक कुछ डिफरेंट नहीं किया जो लॉकडाउन की जो लाइफ थी कैसे है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज़ किया इस वेकेशन को. आई कॉल इट अ वेकेशन, पूरी दुनिया एक वेकेशन पे थी. तो मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं जो आई थिंक बहुत लोगों ने भी वही किया है. घर पे पेंटिंग किया, यू नो नए टैलेंट्स डिस्कवर किए हैं अपने. तो मैंने पेंटिंग काफ़ी की है, मैंने कलेक्शन बनाई है और सरप्राइजिंगली मैं कभी नहीं जान यू नो आई नेवर न्यू कि आई कुड पेंट. वो मैंने बचपन में स्कूल में तो मैं बहुत बुरी थी, बट अचानक से बड़े होकर पेंटिंग आ गई एंड यू नो पेंटिंग कलर्स खरीदे, कैनवस खरीदा एंड जस्ट स्टार्टेड पेंटिंग. तो आई थिंक वो भी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला हुआ है काफ़ी. तो उसके अलावा यू नो आई कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन योगा एंड यू नो मेडिटेशन प्लस वर्किंग आउट एंड आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट टू. सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया इस यू नो पूरे लॉकडाउन को एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई नॉट वेस्ट दैट टाइम. सो वो एक अच्छी थिंग मुझे लगी अपने बारे में, आई थिंक सो. मैं ऑनेस्टली कोई इतना कुछ अच्छा नहीं करती हूँ, बट जस्ट बेसिक पोस्टर कलर पेंटिंग्स या यू नो नाउ एक्रेलिक कलर्स हो जाते हैं उससे, कोई भी बेसिक लाइक सीनरीज हो गई या नॉर्मल जो मुझे फील होता है कि मैं कर सकती हूँ. एंड आई मोस्टली गो फॉर लिटिल चैलेंजिंग पेंटिंग्स जो मैं देखती हूँ ऑनलाइन, तो मैं उसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ टू गेट माई टू मेक माई हैंड बेटर एट इट. सो आई थिंक इतनी कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, बट डेफिनेटली एक शौक आ गया है. सो इफ़ आई गेट टाइम एक और पेंटिंग ज़रूर बनाऊंगी एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड इट सून. तो वो किसके ऊपर होगी पेंटिंग? वो ऐसी होगी जो भी मन किया वो होगी. सो हमने देखा निमकी मुखिया, हमने देखा, तो आप और बताइए कि आप जिससे लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत यस, और बताइए कि आने वाले दिनों में हम आपको और क्या-क्या देखेंगे एंड क्या-क्या कुछ करते हुए देखेंगे हम भूमिका जी को? जैसे कि अभी निमकी मुखिया की बात छिड़ ही गई है, तो सैडली बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी DMs किए थे इतने महीनों से कि उसका सीक्वल कब आ रहा है, क्योंकि निमकी मुखिया के बाद तुरंत निमकी विधायक आ गया था एंड निमकी विधायक के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया. सो वी ऑल हैड थॉट कि देर विल बी अ सीक्वल टू निमकी विधायक, बट अनफॉर्चुनेटली द मेकर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू गेट अ सीक्वल, विच इज़ थोड़ा सा सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज फॉलोअर्स काफ़ी हैं निमकी के एंड यू नो फैंस काफ़ी हैं और फैंस ऑफ एवरी यू नो एज ग्रुप हैं और बोथ द जेंडर्स, नॉट ओनली वेमेन, आई थिंक मैन ऑल्सो यूज टू वॉच माई शो. सो बहुत अच्छा फील होता था, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी, एक बहुत प्राउड फील होता था कि ऐसा एक शो कर रही हूँ. बट अब उसका सीक्वल नहीं आएगा तो थोड़ा दुख है, बट इट्स डेफिनेटली टाइम टू मूव ऑन एंड डू समथिंग बेटर एंड करियर को आगे बढ़ाना भी होता है. तो आगे जाके यू नो जब आप सोचते हैं कि आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में, सो मेरी एक चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि ऑडियंस जो है ना, कि एक बार आपको किसी किरदार में देखे तो आपको वैसे ही किरदार में वापस देखना चाहते हैं. तो टेलीविजन एक्टर स्पेशली वहाँ पर लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली सोप करने वाले लोग हैं, हम एक मूवी नहीं करते हैं, हम डेली सोप्स करते हैं. तो अगर हम एक यू नो गांव की लड़की कैरेक्टर में हैं तो आपको ऑफर्स भी वैसे ही आने लग जाते हैं अगर हिट हो जाता है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वो एक एक्सपेक्टेशंस जो ऑडियंस की एक एक्टर से होती है इन टेलीविज़न, वो अगर थोड़ी चेंज हो जाए, हमें थोड़ी और लिबर्टी मिल जाए, तो शायद एक्सेप्टेंस हमें दूसरे रोल्स करने के लिए भी यू नो दो बार सोचना ना पड़े. सो जैसे कि निमकी के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर द सेम काइंड ऑफ शोज, जो आप ना चाह के भी आप करना चाहोगे, बिकॉज यू नो अच्छे चैनल से आपको वो ऑफर्स आते हैं, प्लस यू नो स्टोरी आपको अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम एक डर रहता है कि टाइप कास्ट ना हो जाए, कि वही शो अगर जैसे कि मैंने एक बिहार के बैकग्राउंड का शो किया है तो मुझे वही शोज ऑफर होंगे आगे जाके, तो एक डर रहता है एक एक्टर के अंदर कि कहीं टाइप कास्ट ना हो जाए. और
मेकर्स भी डरते हैं कि उन एक्टर्स को किसी नए किरदार में लॉन्च करने से, क्योंकि क्या पता ऑडियंस को पसंद आए. ऑडियंस ने हमेशा इन्हें एक बेचारी के रूप में देखे, अगर आप थोड़ा सा एक यू नो एक ग्रे शेड के साथ ले आए तो शायद ऑडियंस पसंद ना करे, इमेज ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है टेलीविजन वो थोड़ी वर्सेटाइल अगर हो जाएगी तो एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई ओ द सक्सेस ऑफ निमकी टू द ऑडियंस, बिकॉज उन्होंने ही आज कोई भी शो के एक्टर हो या टेलीविजन या बॉलीवुड स्टार्स हो, ऑडियंस ने ही उन्हें बनाया है. एंड आई थिंक हमारे जो सक्सेस का 90% श्रेय आई थिंक आई वुड से इट्स द ऑडियंस, क्योंकि काफ़ी शोज़ ऐसे हैं आज के टाइम में जो आए हैं और चले भी गए हैं, जिनके बारे में चर्चा भी नहीं हुई है, जिनको नोटिस भी नहीं किया गया है सैडली, इतनी मेहनत करने के बाद भी. इट्स जस्ट ऑन ऑडियंस कि उनको क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है. तो आई थिंक आई गिव ऑल द सक्सेस एंड ऑल द क्रेडिट टू द ऑडियंस फॉर लविंग अस एंड एक्सेप्टिंग अस. दो हम लोग यू नो कि हम में से किसी ने निमकी की टीम में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हिट होगा या बहुत पसंद आएगा लोगों को. एक डर था क्योंकि निमकी काफ़ी एक अलग किस्म की लड़की थी जिसको लॉन्च किया गया था, लाइक यू नो थोड़ी सी सेल्फिश थी, थोड़ी सी वेरी इमेच्योर, नाइव और नॉट अ टिपिकल बहू टाइप ऑफ लड़की थी. वो बिल्कुल नहीं थी वैसी, वो थोड़ी अलग थी, उसको जो अच्छा लगता था वो करती थी. पर धीरे धीरे उसके साइड्स अनफोल्ड होने लगी. बट इनिशियली जो निमकी का एक इंट्रोडक्शन था वो लोगों को शुरू शुरू में थोड़ा सा खटका था कि ये इतनी बदतमीज़ कैसे है, ऐसे लड़की को लीड कैसे बना दिया. तो वही मैं कह रही हूँ, अगर ऑडियंस का थोड़ा सा पेशेंस और बढ़ जाए, थोड़ा सा वर्सेटाइल अगर हो जाए, तो शायद आज हमारे जिस तरह के शोज़ बनते हैं टेलीविज़न में वो चेंज भी हो और अच्छे सब्जेक्ट्स आए और थोड़े और पावरफुल लीड लड़कियाँ आई आगे. तो आई थिंक दैट सपोर्ट इज़ नीडेड फ्रॉम द ऑडियंस मोर. एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि अब तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सो आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी रहे. थैंक यू. जैसा कि आपने बताया, हमने भी देखा कि निमकी मुखिया ये इस शो को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया. yeah. क्यों, तो कितनी यादें रह जाती हैं जब आप कोई भी शो करते हैं, कोई भी कैरेक्टर करते हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं. सो उसके बाद कितनी यादें रह जाती हैं, कितनी मेमोरी रह जाती है, कितना याद आते हैं वो शो एंड उस कैरेक्टर को. बहुत, बिकॉज आई थिंक निमकी शायद फेब में ऑफर हुआ था इसी साल और उसके तुरंत बाद कोरोना वायरस का ये पूरा फैल चुका था और लॉकडाउन हो गया था. तो आई थिंक फेब से लेकर अब तक जो महीना चल रहा है अक्टूबर, ऐसा कोई एक दिन नहीं है जहाँ पर हम जो हमारे को एक्टर्स से उनसे बात नहीं करते हैं या चैट नहीं करते हैं ग्रुप्स पर. एंड निमकी के जो फ़ैन पेजेस हैं वो लोग आर्टिकल्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अभी तक शेयर करते हैं सारे एपिसोड्स. सो आई थिंक वो दिखाता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उस चैनल पे एक एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की कि वो एक सीक्वल वापस आएगा या यू नो वापस से शायद ऑन एयर होगा या कुछ होगा. तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हमने जब निमकी स्टार्ट किया था आई थिंक उस टाइम पे निमकी को तकरीबन हो गया 2.5 साल ऑन एयर, लेकिन उससे 1 साल पहले से ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस शो के लिए और थोड़ा डिले हो गया था. तो हम लोग काफ़ी यंग थे जब हम लोग सब बहुत छोटे थे, इनफैक्ट नॉट इवन यंग, अर्ली 20s में थे जब हम लोग जब आए थे. तो अभी हो गए हैं आई थिंक 3-4 साल. तो हमारे लिए इट्स लाइक कि हम लोग बड़े हुए हैं साथ में, यू नो एक टीनेज वाला फील से एकदम लिटरली वी हैव कम टू दैट लेट 20s स्टेज जहाँ पे हम सब बड़े हो चुके हैं. इनफैक्ट अगर आप शो में मेरे जो छोटे भाई जो बनते थे मोनू को देखेंगे, अराफत को, ही केम इतने हाइट में जब वो आए थे, वो आज मुझसे भी लंबे हैं. तो वो दिखाता है कि कितना टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने साथ में. एंड हम लोग बात करते हैं रोज़ आज भी. एंड यू नो एट टाइम्स इट फील्स कि टाइम जस्ट फ्लाइज, कहाँ चला गया टाइम वो समझ नहीं आता है. एंड जैसे कि आने वाले दिनों में हम किस तरह के शो देखेंगे और आने वाले हम देख रहे हैं कि ढेरों सारी वेब सीरीज आ रही हैं, ढेरों सारी सिंगल आ रहे हैं, ढेरों सारी फिल्में आ रही है, शॉर्ट मूवीज आ रही हैं. तो आने वाले दिनों में हम भूमिका जी को किस अंदाज में देखेंगे, किस शो में देखेंगे, किस सिंगल में देखेंगे, सिंगल एल्बम में देखेंगे एंड सीरीज, क्या कुछ प्रोजेक्ट होने वाले हैं? तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि अब आप क्या कर रही हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा शो आ रहा है, बिकॉज फैंस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक शो ख़त्म करें तो दूसरा पकड़ें. बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू दैट. बट
with me it's a little different, not different but it's because कि निमकी करते करते एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है लोगों की मुझसे कि वो एक्सपेक्ट करें कि जो अगला शो होगा वो वैसे ही टाइप का होगा, वैसे ही हिट होगा, वैसे ही पावर पैक परफॉर्मेंस वाला एक शो होगा. बट टेलीविजन में यू नो थैंकफुली अब वैसे शोज बनना शुरू हुए हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान होता है एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक मैं जब कोई शो के लिए अगर ऑडिशन भी करती हूँ या मॉक शूट करती हूँ तो मैं डेफिनेटली आई स्ट्रेस अ लॉट ऑन द स्टोरी, बिकॉज निमकी का जो हिट होने का जो पीछे सबसे बड़ा राज था वो स्टोरी और डायलॉग्स थे. बाद में परफॉर्मेंस आई, क्योंकि जब तक आपकी स्टोरी और डायलॉग स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप कुछ भी बना लो, आप परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, आप लोग बोलोगे क्या क्या दिखा रहे हैं अगर स्टोरी अच्छी नहीं हो तो. आई थिंक स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेज थे और डायलॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो व्हेन आई चूज अ प्रोजेक्ट नाउ नेक्स्ट इट विल डेफिनेटली बी समथिंग ऑन द सेम लाइंस इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड अ गुड स्टोरी. तभी ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम नॉट, मुझे अप्रोच नहीं किया गया है या मैंने कहीं ऑडिशन या मॉक शूट नहीं दिया है. डेफिनेटली दिया है और क्लियर भी किया है. बट द ओनली थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं कुछ कुछ चीज़ों से, बी एट यू नो द स्टोरी, बी एट एनी थिंग. सो आई थिंक आई एम टेकिंग आराम आराम से मैं स्टेप्स ले रही हूँ. मैं कोई जल्दबाजी में बस जस्ट बिकॉज काम करना है वो शो नहीं पकड़ रही हूँ. आई एम वेटिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. डिले भी हो रहा है तो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. एंड आने वाले, जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैं कहाँ दिखने वाली हूँ, तो इस बीच में मैंने दो तीन चीज़ें अपलोड की हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि मैंने क्या किया है. सेकेंडली अभी आने वाले हैं मेरे दो म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स, प्लस आई एम वर्किंग ऑन अ वेब शो जिसकी शूटिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है. तो उसके लिए ऑलमोस्ट 20-25 डेज आई वॉन्ट बी इन मुंबई. सो आई एम बिजी विथ हियर एंड देयर थिंग्स विच इज़ नाइस, बट डेफिनेटली टेलीविजन इज़ गोना बी माई फर्स्ट लव, तो वो हमेशा ही रहेगा. तो मेरा कोई ड्रीम नहीं है बॉलीवुड स्टार बनने का, मेरा हमेशा से ड्रीम था टेलीविजन स्टार बनने का. सो उसके लिए मेहनत जारी है एंड आई एम श्योर जो मेकर्स हैं टेलीविजन के दे नो वेरी वेल कि कहाँ पर किसी को क्या कास्ट करना है, कौन कितना डिजर्व करता है. तो डेफिनेटली अगर होगा तो आई विल बी सून ऑन स्क्रीन. जैसे कि आपने बताया कि आपके सिंगल भी आ रहे हैं, आपकी सीरीज भी आ रही है, सो सिंगल के बारे में अगर आप हमें कुछ बता दीजिए कि लाइक ये कब तक आ जाएंगे एंड जॉनर क्या होगा, लाइक रोमांटिक होंगे वो आपके सिंगल. सो या द सिंगल्स, बोथ द वीडियो एल्बम्स आर डन आर बोथ रोमांटिक. तो एक थोड़ा सा सैड रोमांटिक है, एक काफ़ी मशी मशी मिक्स इमोशंस वाला रोमांटिक एंड वीडियो एल्बम्स एंड दे बोथ आर फॉर जी. सो दे गोना बी सून रिलीज विद इन दिस मंथ बोथ ऑफ देम. सो वो सब आप लोग मेरा सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर बिकॉज आई कीप अपलोडिंग. सीरीज का जॉनर इज इट इज कम्प्लीटली यू नो वेरी थोड़ा इट्स अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंस ड्रामा एवरीथिंग. बिकॉज अब मैं आपको स्टोरी नहीं बता सकती बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू, बट ट्रस्ट मी इट इज़ समथिंग. बिकॉज आज वेट ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स है, आज मैं खुद घर पर जब बैठती हूँ तो मैं पूरा जो यू नो वेब पे जितनी भी मूवीज़ हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो दोपहर का टाइम है मेरा निकल जाए और मैं अच्छे कंटेंट देख पाऊँ, क्या क्या बन रहा है, कैसे परफॉर्मर्स हैं. एंड आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज जब आए हैं तो एक एक्टर्स को बहुत बड़ा रिलीफ है, बिकॉज जो थिएटर एक्टर्स टेलीविजन पे क्रैक नहीं कर पाते थे रोल्स एंड जो बॉलीवुड तक नहीं पहुँच पाते थे, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें वो ऑप्शन दिया है एंड अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे. ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर नहीं है. तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है हमारी कंट्री में कि लॉकडाउन की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक बढ़ावा मिला है. उसके वजह से जो एक्टर्स स्ट्रगल करते थे, जो इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, थिएटर बैकग्राउंड्स के साथ जो नहीं क्रैक कर पाते थे, टेलीविजन पे नहीं आ पाते थे, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें वो ऑप्शन दिया है, उन दरवाजे खोले हैं. आई थिंक वी ऑल शुड यू नो सपोर्ट ऑल दीज एक्टर्स. आई थिंक बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ के पीछे. लोगों को दिखता है कि बहुत ईजी है, मेकअप कर लिया, खड़े हो गए, लाइन्स एक स्क्रिप्ट ले लिया, बट इज ऑलमोस्ट लाइक 16-17 आवर्स जॉब अ डे, तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आई एम कम्प्लीटली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड दैट आई एम पार्ट ऑफ अ वेब शो जो एक न्यू प्लेटफॉर्म पर आने वाला है. एंड हम देख रहे हैं कि जो साल का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल शो, साल का सबसे
सो बिग बॉस इज समथिंग आई थिंक हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि कभी ना कभी तो बिग बॉस करना है. तो आई थिंक लास्ट ईयर मैंने काफ़ी फॉलो किया था. मैं इतना नहीं टीवी देख पाती हूँ बट लास्ट ईयर मैंने काफ़ी फॉलो किया था एंड आई थिंक तब तक लॉकडाउन हो चुका था तो बिग बॉस रिपीट होने लग गया था तो रिपीट टेलीकास्ट भी देखा है मैंने. सो इस साल आई थिंक इस साल भी धमाका होने ही वाला है बिकॉज आई हैव टू ऑफ माई फ्रेंड्स इन द हाउस. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ देम इज़ नैना सिंह जो जाने वाली है अभी तक गई नहीं है एंड सेकेंडली इज़ अभिनव शुक्ला. He's there in the Big Boss house right now, which is which why I'm very excited is because वो एक बहुत शांत किस्म के इंसान हैं जिनको मैंने ऑफ द कैमरा अगर मैं उनसे उनके साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ तो मैंने उन्हें देखा है. ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी कंपोज. सो आई वॉन्ट टू सी हाउ द हाउस चेंजेज हिम, वेदर उनका कोई गुस्से वाला साइड बाहर आता है कि नहीं या क्या होने वाला है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. एंड स्पेशली आई एम वेटिंग फॉर नैना सिंह जो अभी तक एंटर नहीं कर चुकी, अभी तक नहीं किया उन्होंने एंटर बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग हर दिस सीजन एंड सुपर एक्साइटेड बिकॉज शी इज़ अ पावर पैक गर्ल, लाइक फुल ऑन धमाकेदार लड़की है. तो लेट्स सी कि क्या होता है. आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम फॉलोइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल. आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्हें प्रमोट करते हुए भी देखोगे क्योंकि वो मेरी फ्रेंड एंड डेफिनेटली आई एम गोना सपोर्ट हर एंड आई वुड वांट एवरीवन टू सपोर्ट हर. एंड ऐसा नहीं है कि यू नो कोई गेम प्लान होता है या कुछ प्लान होता है बिकॉज शी इज गोना बी हरसेल्फ एंड शी इज गोना किल इट कम्प्लीटली विच आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर. इस बार जो हम सभी देख रहे हैं कि सीनियर्स एंड फ्रेशर का कॉन्सेप्ट है उसे कितना आप मानती हैं कि जो सीनियर हैं वो अपनी सीनियरिटी दिखा रहे हैं या आप बताइए. एब्सोल्युटली बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इट्स लाइक डिवाइडिंग द अटेंशन फ्रॉम द न्यू पीपल हु आर देयर इन द हाउस एंड यू नो वो ऑडियंस को खींच के रखने का एक टेक्निक है शायद से क्योंकि पिछले साल के कंटेस्टेंट्स काफ़ी फेमस हुए हैं एंड जैसे कि गौहर काफ़ी फेमस हुई थी, हिना खान काफ़ी फेमस हुई थी, सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी फेमस हुए थे. तो आई थिंक दीज फेसेस को वापस ला के एक ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बना के रखने की ज़रूरत थी तो शायद तभी ये ऑडियंस को इनको वापस लेकर आए हैं ऑडियंस के लिए. बट आई ऑल्सो फील दैट जितना यू नो विजिबिलिटी नए कंटेस्टेंट्स को मिलना चाहिए शायद नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ देम. तो आई थिंक द होल फोकस शुड बी ऑन द न्यू प्लेयर्स एंड लेट देम you know just give them a chance to take over the whole house. I feel kyunki bhumika ji aapne support to kar diya lekin ab kuch hi dino ke baad se ab nominees ki prakriya bhi chalne lagi hai to aap bataiye ki sabse pehle big boss 14 ke contestant mein se kise ghar ke bahar jana chahiye aapke anusar ya aap yaar main in sab mein bahut buri hu because I'll be very honest ki I don't know because अभी तक यू नो यू द फर्स्ट नॉमिनेशन इज समथिंग यू कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन क्योंकि आप वो बहुत कम टाइम होता है जब फर्स्ट नॉमिनेशन में आप वही डिसीजन देते हो. तो मेरे हिसाब से मैंने कल ही इनफैक्ट उनका एपिसोड देखा तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में. आई थिंक आई फॉरगॉट हर नेम, वो साउथ की जो एक एक्टर है उनका नाम क्या है मैं भूल गई, क्या नाम था. नहीं नहीं वो मुझे थोड़ी सी वो लगी परेशान उनको देख के थोड़ा सा वो होता है बट आई फील शी इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट आगे जाके क्योंकि वो काफ़ी यू नो कंटेंट देने वाली है चैनल को जाके आगे. आई थिंक सो एंड बट यस आई वुड थिंक कि अभी तक जो मुझे थोड़ी सी लाइक नॉट इन द पिक्चर और काइंड ऑफ लगी वो है आई थिंक जो सरगन समथिंग आई डोंट नो द पंजाब से जो आई हैं इस साल, हाँ वो मुझे थोड़ी सी लगी कि आउट ऑफ द पिक्चर हैं अभी. इफ़ शी वर्क्स हार्ड आई मीन प्रॉब्ली दैट शी विल कम इनटू द लाइमलाइट एंड यू नो बी इन फोकस. बाकी सब लोग कहीं ना कहीं शोर मचा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है विच इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग.
और क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हमेशा बहुत ही एक्टिव रहती हैं। हाँ जी। एक सवाल आपने भी सुना होगा कि सुशांत सिंह के केस के बाद से लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो है बायकॉट बिग बॉस होना चाहिए, बायकॉट सलमान खान होने चाहिए। सो आप कितना इन सारी चीज़ों को मानती हैं, कितना बिलीव करती हैं? सी, जहाँ तक बॉयकॉट एनीथिंग की बात है या सुशांत सिंह की बात है, बिकॉज आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह कि हुआ क्या था, ये सब क्या था, उस पर मैं इतना कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट बॉयकॉटिंग बिग बॉस, आई थिंक बॉयकॉटिंग अ शो वॉन्ट गिव यू जस्टिस, बॉयकॉटिंग अ शो वॉन्ट प्रूव एनीथिंग, बिकॉज उस शो में सिर्फ सलमान खान ही नहीं है, उस शो में बाकी लोगों की करियर भी हैं। शायद आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस अगर आपको देखना है। बट देर आर आई थिंक मेजर इशूज़ देन बॉयकॉटिंग बिग बॉस इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस कंट्री एटलीस्ट, कि बॉयकॉट करना ही है तो बहुत सारी चीज़ें जो बॉयकॉट करनी चाहिए, जिससे रेप अवॉइड हो, जिससे मोलेस्टेशंस कम हो इस दुनिया में। आई थिंक बॉलीवुड को छोड़ देना चाहिए, अभी साइड में रख देना चाहिए। एंड आई थिंक एंड ट्रस्ट मी कि एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन सुशांत सिंह केस, बिकॉज व्हाटएवर जो अभी तक आगे सामने आया है वो बहुत मेस्ड अप है, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, बातों को घुमाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, विच इज़ क्वाइट सैड फॉर द होल फैमिली ऑफ सुशांत, एंड इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग टू वॉच। एंड आई थिंक कि लोग जो बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग जो है, आई रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, नहीं देखना है आप ना देखें, एंड कल को अगर मुझे भी कुछ पसंद नहीं आएगा तो शायद मैं नहीं देखूं, विच इज़ फाइन विथ मी। आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन व्यू एंड पर्सपेक्टिव, बट एट द सेम टाइम अगर यही जोश हम सही जगहों पर लगाए, जैसे कि किसी लड़की का जब कभी रेप हुआ है, जैसे अभी हाथरस का इतना बड़ा रेप कांड हुआ है, यही जोश हम क्यों नहीं देखते हैं सड़कों पर फॉर अ रेप विक्टिम, यही शोर हम क्यों नहीं देखते हैं ऑन एवरी चैनल फॉर अ रेप विक्टिम। सो आई थिंक इससे भी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है अभी हमारी कंट्री की, हालत ख़राब है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ वेज वी कैन बॉयकॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट टारगेटिंग कि हाँ ठीक है गुस्सा निकालना है तो आप निकाल दीजिए, इट्स फाइन। जो सलमान खान जी का नाम आया है, जो भी आया है जिसके वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी आया है, आई हैव नथिंग रियली टू से ऑन दैट, बट सबका अपना व्यू है, आपको नहीं देखना आप मत देखिए, देखना है देखिए, बट एट द सेम टाइम जो रियल इश्यूज है इस कंट्री के, आई थिंक हम सबको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी जी। क्योंकि आपने रेप की बात की तो स्टेशन की बात की तो हम देखते हैं कि जिसे हमने हाथरस में देखा, हम देखते हैं आए दिन इस तरह के केसेस हमारे कंट्री में आ रहे हैं। आई थिंक अभी एक और रेप हुआ है। हाँ। तो ये जो करंट इशू है, जो हमारे प्रेजेंट हमारे इंडिया का प्रेजेंट है, जो सिनेरियो है, एज एन एक्टर मैं देख ही नहीं पाती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, यू कैन आस्क एनी ऑफ माय फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर दैट आई गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर मैं ऐसा कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, मैं पूरे दिन चिड़चिड़ी रहती हूँ, मतलब मैं पूरे दिन ऐसे रहती हूँ कि क्यों हो रहा है ये, मतलब बिकॉज आई हैव इमेजिन कि कल को इफ़ आई हैव किड्स एंड इफ आई हैव अ डॉटर, मैं इतना डरूंगी कि मैं उसे शायद बिल्डिंग के नीचे तक भी नहीं छोड़ पाऊँ खेलने के लिए। तो मैं आई कैन फील द पेन ऑफ माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी है कि मुझे एक अलग शहर में काम करने दिया है, अकेले रहती हूँ एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवरी पेरेंट मस्ट बी गोइंग थ्रू, लाइक यू नो जब उनके बच्चों का रेप होता है क्या गुजरती होंगी, एंड स्पेशली जब यू नो यू डू नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द लॉ, इतना डिले होता है हर एक चीज़ में कि यू नो उम्मीद में ही आप थक हार के हार मान लेते हो। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट आया है जहाँ पर यू नो ऐसे रेप केसेस के लिए इंस्टेंट और जल्दी से डिसीजन हो। आई थिंक हमें ऐसी चीज़ें और लेकर आनी पड़ेंगी सिस्टम में, या हमें सख्त से सख्त रूल लेकर आने पड़ेंगे रेप यू नो अक्यूज्ड जो लोग होते हैं उनके लिए, रेपिस जो होते हैं उनके लिए अगर जब तक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं आएगा तब तक आई डोंट थिंक सो वी विल बी एवर बी एबल टू स्टॉप रेप्स इन आर कंट्रीज। जैसे बाहर गल्फ कंट्रीज़ में होता है, दैन लिटरली वो लोग
लोगों को सौंप देते हैं रेपिस्ट को, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है, उन्हें लटका दिया जाता है सरेआम सबके सामने। आई थिंक इस कंट्री में भी शायद यही होगा, तब जाके शायद रेप्स बंद होंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही। चलिए जाते आते आपके फैंस जिन्हें आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है, ये भी पता है कि आपके सिंगल आने वाले हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, अपने फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप? आई थिंक मैं इतना ही कहूँगी जैसे हर इंटरव्यू में कहती आई हूँ कि थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि यू नो इतने साल में जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है एंड एक बहुत ही प्यारे शो को आप लोगों ने परखा अच्छे से, आप लोगों ने उसकी वैल्यू की, सो थैंक यू सो मच। एंड मेरी नहीं पूरी टीम की तरफ से, बिकॉज वी ऑल आर ग्रेटफुल कि आप लोगों ने निम्की के द्वारा आप लोग मुझे जानते हैं और अभी तक उतना प्यार देते हैं, उतने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। सो आगे के जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो हम सब के, हमारी पूरी टीम के, उसको उसी तरह आप सपोर्ट करें, उसी तरह प्यार दें, एंड दैट रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।